हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई एम शरद कौर। मैं शरद कौर आपको साइंस सब्जेक्ट टीच करने वाला हूँ। यू नो, ड्यू टू करोना यू वेर अनेबल टू गिव द एग्जाम ऑफ सेवेंथ। हाउएवर, यू विल बी 100% अपेयर फॉर एट। कोरोना की वजह से आप सेवन्थ का एग्जाम दे नहीं सके, फिर भी एट स्टैंडर्ड में 100% अपेयर हुए। और ड्यू टू करोना स्कूल्स और क्लासेस और लेट स्टार्ट होने वाले, देयरफॉर थ्रू दिस वर्चुअल क्लासेस आई विल कंडक्ट सम लेक्चर्स ऑफ साइंस। आई विल इंट्रोड्यूस सम साइंस चैप्टर्स एंड टुडे द फर्स्ट चैप्टर वी विल कंटिन्यू एंड द नेम ऑफ द चैप्टर दैट इज लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। देखो, एट में यू हैव टोटल 18 चैप्टर्स इंक्लूडेड इन यूर 8 साइंस टेक्स्ट बुक। दिस चैप्टर्स बिलोंग्स टू फिजिक्स, सम चैप्टर बिलोंग्स टू केमिस्ट्री एंड सम चैप्टर्स बिलोंग्स टू बायोलॉजी। देखो, टोटल 18 चैप्टर्स इंक्लूडेड है। उसी 18 टू 19 चैप्टर्स में सम चैप्टर्स फिजिक्स के हैं, सम चैप्टर्स केमिस्ट्री से रिलेट है एंड सम चैप्टर्स बायोलॉजी रिप्रेजेंट करते हैं। टुडे वी विल कंटिन्यू द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द 8th साइंस एंड दिस चैप्टर रिलेट्स विथ बायोलॉजी। आज हम पहला चैप्टर इंट्रोड्यूस करने वाले हैं एंड वो चैप्टर बायोलॉजी से रिलेट है एंड नेम ऑफ द चैप्टर दैट इज लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। देखो, लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। देखो, लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स, लिविंग वर्ल्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो। फर्स्ट क्लासिफिकेशन, व्हाई इट इज नेसेसरी टू क्लासिफाई द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन करना क्यों जरूरी, इंपॉर्टेंस है, क्यों नेसेसरी है? बिकॉज अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसेस, 2011 के सेंसेस के अनुसार देर आर अप्रोक्सिमेटली 87 बिलियन लिविंग वर्ड्स आर फाउंड ऑन द अर्थ। देखो, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसेस के अनुसार कितना लिविंग वर्ल्ड में 87 बिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एग्जिस्ट है। अभी देखो, ये 87 बिलियन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस टू स्टडी ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हमारे लिए इम्पॉसिबल है कि एक ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम प्रॉपर स्टडी नहीं कर सकते। देयरफॉर क्लासिफिकेशन इज इसेंशियल। दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अभी क्लासिफिकेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई करने के लिए वी हैव टू नीड सम क्राइटेरिया। ए ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई करने के लिए कुछ क्राइटेरिया की जरूरत है। तो क्राइटेरिया क्या होता है? देखो, अभी 87 बिलियन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर एग्जिस्टेड ऑन दिस अर्थ, फाउंड ऑन द अर्थ। अभी इस 87 बिलियन में क्या है, सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिव इन द वॉटर वाइल सम लाइव ऑन द लैंड। जो वॉटर में रहते वी कॉल देम एक्वेटिक्स, जो लैंड पे रहते वी कॉल देम टेरेस्टेरियल। अभी ये एक्वेटिक, देखो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, अभी एक्वेटिक में फिर सम लिविंग थिंग्स आर लिव इन सी वॉटर। अभी एक्वेटिक में भी क्लासिफिकेशन हुआ, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, सी वॉटर में रहते, सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइव इन फ्रेश वॉटर। मीन्स अकॉर्डिंग टू यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरिया यूज करके हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं।
देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वी क्लासिफाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू सम सीक्वेंस, वी कॉल देम हायरार्की। हायरार्की, हायरार्की मींस द सीक्वेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सीक्वेंस रहता है वी कॉल देम हायरार्की। हायरार्की में सबसे पहले क्या आता है? किंगडम। वो ऑर्गेनिज्म कौन से किंगडम में इंक्लूड होता है? फर्स्ट और टॉप पार्ट ऑफ हायरार्की दैट इज किंगडम, सेकेंड फाइलम, थर्ड दैट इज क्लास, फोर्थ वन दैट इज ऑर्डर, फिफ्थ वन पांचवा जो है वो फैमिली, सिक्स्थ वन दैट इज जीनस एंड सेवन दैट इज स्पीसीज। दीज आर द सीक्वेंस, दीज आर द स्टेप्स फॉर हायरार्की। हायरार्की, हायरार्की मीन्स सीक्वेंस। वो हायरार्की में फर्स्ट क्या आता है, टॉप में क्या आता है? किंगडम, सेकेंड फाइलम, थर्ड वन क्लास, फोर्थ वन ऑर्डर, फिफ्थ वन फैमिली, सिक्स्थ वन दैट इज जीनस एंड लास्ट वन दैट इज स्पीसीज। लास्ट के जो टू स्टेप्स है दैट टू स्टेप्स इंक्लूड द साइंटिफिक नेम ऑफ दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो लास्ट के जो दो स्टेप्स है जीनस एंड स्पीसीज, ये दोनों कंबाइन करके और लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या होता है? साइंटिफिक नेम परफॉर्म होता है। एंड दैट साइंटिफिक नेम इंक्लूड्स दिस टू स्टेप्स जीनस एंड स्पीसीज। दिस टू स्टेप्स आर इंक्लूडिंग इन दैट साइंटिफिक नेम ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, देयरफॉर वी कॉल देम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल, बाय, बाय मींस टू। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम होता है उसी साइंटिफिक नेम में दो वर्ड्स इंक्लूड होते हैं, फर्स्ट वर्ड जीनस एंड सेकंड वर्ड स्पीसीज। देयरफॉर दैट नोमेनक्लेचर, दैट मेथड इज नोन एज नोमेनक्लेचर, बाय नोमेनक्लेचर मेथड। एंड दिस मेथड इज इन्वेंटेड बाय कार्ल लिनियस। और ये मेथड किसने इन्वेंट किया? कार्ल लिनियस ने इन्वेंट किया है। ओके, इज इट क्लियर? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में लास्ट की जो दो नेम है वो इंक्लूड होते हैं। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने इन्वेंट किया? कार्ल लिनियस। उसके बाद ये हायरार्की की जो, हायरार्की की जो सेवन स्टेप्स है वो ध्यान में रखने का। फर्स्ट वन किंगडम है, सेकंड वन फाइलम है, थर्ड वन क्लास, फोर्थ वन ऑर्डर है, नेक्स्ट फैमिली, और लास्ट के टू के है जीनस एंड स्पीसीज। ओके, नाउ व्हाई क्लासिफाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म? इट रिक्वायर्स और इट नेसेसरी सम क्राइटेरिया, बिकॉज अकॉर्डिंग टू दैट क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया के अनुसार हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन करने के लिए हमें कुछ क्राइटेरिया जरूरत है। देयरफॉर व्हिच क्राइटेरियाज आर कंसीडर बाय साइंटिस्ट, एंड नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु क्लासिफाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय यूजिंग डिफरेंट क्राइटेरियाज, नेम ऑफ दैट साइंटिस्ट इज आर एच विटेकर। आर एच विटेकर क्लासीफाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किसने किया? आर एच विटेकर, वो बॉटनिस्ट है, उसने लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया। एंड व्हाई क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी? टू स्टडी ईच एंड इंडिविजुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर ऑर्गेनिज्म का स्टडी, एवरी ऑर्गेनिज्म का स्टडी करना तो इम्पॉसिबल है। देयरफॉर दोज ऑर्गेनिज्म हैव अ सिमिलर कैरेक्टर्स, दोज ऑर्गेनिजम्स हैव अ सिमिलर फीचर्स, दे इंक्लूड इन द सेम ग्रुप, एंड दैट्स व्हाई क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी। बट फॉर क्लासिफिकेशन इट रिक्वायर्स सम क्राइटेरियाज। क्लासिफिकेशन तो इंपॉर्टेंट है, जरूरत, जरूरी है, नेसेसरी है, बट क्लासिफिकेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंस है? और लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाई तो करने का है, बट विच क्राइटेरिया, कौन से क्राइटेरिया के अनुसार उसका क्लासिफिकेशन करना है? देयरफॉर आर एच विटेकर कंसीडर फाइव क्राइटेरिया। आर एच विटेकर ने फाइव क्राइटेरिया क्या किया? कंसीडर किया, एंड अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया ही क्लासिफाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स।
वो फाइव क्राइटेरिया कंसीडर करके आर एच विटेकर ने क्या किया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन किया। अभी फर्स्ट क्राइटेरिया यूज बाय आर एच विटेकर दैट इज कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑफ सेल स्ट्रक्चर। देखो फर्स्ट क्राइटेरिया ही कंसीडर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर। अभी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर मींस जो ऑर्गेनिज्म है उसका सेल स्ट्रक्चर कैसा है। पर अकॉर्डिंग टू दिस सेल स्ट्रक्चर ही क्लासिफाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक, कैरी ऑन मींस न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक मींस दोज ऑर्गेनिजम्स हैव Do not well develop nucleus and nuclear membrane. जिस ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस रहता नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ऑल दीज ऑर्गेनिजम्स ऑल दीज लिविंग थिंग्स आर इंक्लूडेड इन प्रोकैरियोटिक एंड दोज लिविंग थिंग्स हैव अ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, दोज लिविंग थिंग्स हैव अ ट्रू न्यूक्लियस। जो लिविंग थिंग में न्यूक्लियस टू एग्जैक्ट न्यूक्लियस रहता है, रियल न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सब रहता है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म किसमें इंक्लूड होते हैं, यूकैरियोटिक में। बट देयरफॉर फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय आर एच विटेकर इज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर। सेकेंड क्राइटेरिया ही यूज कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मीन ही क्लासिफाइड सम ऑर्गेनिजम्स एज अ यूनिसेल्युलर। Why he used some organisms as a multicellular? Like unicellular and multicellular. Unicellular, very simple. Those living organisms, the body of those living organisms are made up of single cell. Uni means single cell are called as unicellular. And those living organisms or their body is made up of many cells. We call them multicellular. Second, this is the second criteria for classification. Third criteria, that is mode of nutrition. Mode of nutrition. Mode of nutrition. Dekho, nutrition means those that living intake of food, food intake karne ka jo process hai living things ka, wo kaise hai? According to that process of nutrition, he again classified the living organism. First one, those living organism can make their own food. जो living organism खुद का food prepare करते food, that living organism we call them autotrophic. Autotrophic. Autotrophic means they can make their own food. Second, those living organism cannot make their own food. जो खुद का food नहीं बना सकते, they depend on others for food. जो दूसरे पे फूड के लिए क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, वी कॉल देम हेटेरोट्रॉपिक्स, हेटेरोट्रॉपिक, ध्यान में रखो, वो फूड के लिए क्या होते हैं, अदर पे डिपेंड रहते हैं, दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। थर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन वी कॉल देम सैप्रोट्रॉपिक, सैप्रोट्रॉपिक क्या होता है, दे डिपेंड्स और दे मोस्टली लाइव ऑन द डेड बॉडीज ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। सैप्रो, saprotrophic are the third type of nutrition where living organisms depend on the dead bodies of the various organisms. जो dead bodies होते हैं living organisms के उस पर depend होते रहते हैं nutrition के लिए, they call saprotrophic. उसको क्या बोलते हैं, saprotrophic. These are the mode of nutrition. In my according to this mode of nutrition, Whittaker classify this criteria for the classification of living organism. Next, फोर्थ क्राइटेरिया जो है वो लाइफस्टाइल है, लाइफस्टाइल। अभी देखो लाइफस्टाइल मींस व्हाइल दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइव इन द लिविंग वर्ल्ड व्हिच टाइप ऑफ रोल प्ले बाय देम इन द बायोडायवर्सिटी। बायोडायवर्सिटी में वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो कौन सा रोल प्ले करते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट रोल देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफस्टाइल। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स,
प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स क्या है, प्रोड्यूसर्स है, प्रोड्यूसर्स है बिकॉज दे आर द सोर्स ऑफ फूड फॉर रिमेनिंग ऑर्गेनिज्म, रिमेनिंग ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड का जो सोर्स है वो कौन है, प्लांट्स है, देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स। सेकेंड, एनिमल्स जो है, एनिमल्स आर द कंज्यूमर्स, एनिमल्स का कंज्यूमर्स है, मीन्स दे कैनॉट मेक देयर फूड, दे डिपेंड ऑन प्लांट्स, जो प्लांट्स पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या होते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज कंज्यूमर्स। थर्ड वन जो है वो फंगाई, वी कॉल देम डीकंपोजर्स, डीकंपोजर्स, डीकंपोजर्स दे डिके, दे लाई ऑन द, और दे डिके द डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स के जो डेड बॉडीज होते हैं वो डिके, वो क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, डीकंपोज करते हैं, देयरफॉर दे आर द डीकंपोजर्स, मींस प्लांट्स प्रोड्यूसर का रोल प्ले करते, एनिमल्स कंज्यूमर्स का रोल प्ले करते, एंड फंगा प्ले द रोल ऑफ डीकंपोजर्स इन द लिविंग वर्ल्ड। एंड लास्ट क्राइटेरिया यूज बाय आर एच विटेकर, दैट इज फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनिक, फाइलोजेनिक रिलेशन, रिलेशनशिप। अभी देखो ये फाइलोजेनिक रिलेशनशिप क्या होता है, फाइलोजेनिक रिलेशनशिप मीन्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग वर्ल्ड में सर्वाइवल है उसका रिलेशन कैसा है, मीन्स वो फर्स्ट प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक के बाद वो कन्वर्ट इनटू यूकैरियोटिक, सपोज और यूनिसेल्यूलर, ईच एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ एज अ यूनिसेल्यूलर, कौन सा भी एनिमल हो उसका जो लाइफ स्टार्ट होता है वो एज अ सिंगल सेल स्टार्ट होता है, मीन्स वो यूनिसेल्यूलर स्टार्ट करता है लाइफ एंड देन कन्वर्ट इनटू मल्टीसेल्यूलर। इन दिस वे आर एच विटेकर क्लासिफाई द लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय यूजिंग दिस फाइव क्राइटेरिया। आर एच विटेकर ने क्या किया, ये फाइव क्राइटेरिया यूज करके लिविंग वर्ल्ड में और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसका क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। अभी ही क्लासिफाई द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन टू फाइव किंगडम, उसने क्या किया, आर एच विटेकर क्लासिफाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन टू फाइव किंगडम according to according by using this criteria, ये criteria use करके living आर एच विटेकर ने लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन कितना फाइव किंगडम में किया है। तो चलो देखो फाइव किंगडम, और we call them Whittaker's five kingdom classification, और इसको क्या बोलते हैं, Whittaker's five kingdom classification। तो देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिविंग ऑर्गेनिजम का क्लासिफिकेशन अभी किसने किया है, आर एच विटेकर ने, एंड क्लासिफिकेशन के लिए उसने क्या, जस्ट आई हैव टोल्ड यू, अभी जस्ट मैंने कहा ये जो क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया यूज करके उसने लिविंग वर्ड्स का क्या किया है, क्लासिफिकेशन किया है। देखो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म और क्लासिफिकेशन किसने किया है, विटेकर ने। अभी विटेकर ने जो क्लासिफिकेशन किया उसी क्लासिफिकेशन में सबसे पहले क्लासिफिकेशन जो किया उसने वो प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक एंड सेकेंड दैट इज यूकैरियोटिक। अभी जो फाइव किंगडम है उसी किंग, जो सॉरी जो फाइव क्राइटेरिया है वो फाइव क्राइटेरिया यूज करके अभी वो क्लासिफिकेशन किया है। तो अभी पहला क्लासिफिकेशन क्या है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। आई हैव टोल्ड यू, मैंने कहा प्रोकैरियोटिक मींस दे डू नॉट हैव अ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पे न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या होता है, वेल डेवलप रहता है। अभी प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, यूनिसेल्यूलर, क्या होते हैं, यूनिसेल्यूलर, यूनिसेल्यूलर मीन्स देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल। यहां पे देखो यहां पे यूनिसेल्यूलर भी है और मल्टीसेल्यूलर भी है, यूनिसेल्यूलर एंड यहां पे मल्टीसेल्यूलर। देखो यूकैरियोटिक
हैज टू टाइप्स, यूनिसेल्यूलर एंड मल्टीसेल्यूलर। अभी देखो यूनिसेल्यूलर ओनली द किंगडम मोनेरा, ये फर्स्ट किंगडम है, किंगडम फर्स्ट मोनेरा, ध्यान में रखो किंगडम फर्स्ट मोनेरा। यहां पे यूनिसेल्यूलर में क्या होता है, सेकेंड किंगडम आता है किंगडम प्रोटिस्टा, सेकेंड किंगडम है प्रोटिस्टा। ये भी यूनिसेल्यूलर है बट दे हैव अ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। नाउ मल्टीसेल्यूलर हैज क्लासिफाइड, ये मल्टीसेल्यूलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसका क्लासिफिकेशन, फर्स्ट वन फंगाई मींस थर्ड किंगडम, देखो किंगडम थर्ड जो है फंगाई, थर्ड किंगडम फंगाई एंड देयर हैव अ सेल वॉल, विथ सेल वॉल होते हैं, विथ सेल वॉल बट कैनॉट मेक देयर ओन फूड, सेल वॉल है मगर ओन खुद का फूड नहीं प्रिपेयर करते। सेकेंड जो है मीन्स फोर्थ किंगडम, किंगडम फोर्थ जो है प्लांट्स का है, ये भी क्या है विथ सेल वॉल एंड दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं विथ सेल वॉल। एंड लास्ट जो फिफ्थ किंगडम है, किंगडम फिफ्थ जो है एनिमल्स, देखो लास्ट का जो किंगडम है फाइव ऑफ फिफ्थ किंगडम और एनिमल्स है एंड दे ऑल्सो दे हैव विदाउट सेल वॉल, इसमें सेल वॉल नहीं होता। देखो वॉट एवर द क्राइटेरिया वी हैव स्टडी अर्लियर, जो क्राइटेरिया हमने स्टडी किया है अभी जस्ट उसी क्राइटेरिया का यूज करके आर एच विटेकर जो है उसने लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या किया, क्लासिफिकेशन किया, और वो क्लासिफिकेशन फाइव किंगडम ने किया है। तो पहला किंगडम कौन सा है, मोनेरा है, सेकेंड किंगडम प्रोटिस्टा, थर्ड किंगडम जो है वो फंगा है, फोर्थ किंगडम प्लांट्स एंड लास्ट वन दैट इज एनिमल्स। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी ईच किंगडम विथ एग्जाम्पल्स इन डिटेल्स, ये जो चैप्टर है इसी चैप्टर में हम ईच किंगडम स्टडी करने वाले हैं विथ एग्जाम्पल स्टडी करने वाले, कौन से एग्जाम्पल्स हो किंगडम में क्या होते हैं इंक्लूड होते हैं। तो चलो फर्स्ट किंगडम हम स्टडी करेंगे मोनेरा, पहला किंगडम अभी मोनेरा। देखो कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म, अभी यहां पे देखो मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेल्यूलर है, फूड प्रिपेयर नहीं करते, तो कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स इसमें इंक्लूड होते हैं। तो इफ यू वांट टू ऑब्जर्व द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा में कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं ये आपको ऑब्जर्व करना होगा, स्टडी करना है। तो क्या करने का, फुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ कर्ड और बटर मिल्क ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड, देखो ग्लास स्लाइड जो है उसी ग्लास स्लाइड में क्या करने का, पहला हम क्या करेंगे किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा क्या करने का, देखो ये ग्लास स्लाइड है, इसी ग्लास स्लाइड पे क्या करने का, पुट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ बटर मिल्क और कर्ड, कर्ड और बटर मिल्क जो रहता है उसका ड्रॉप यहां पे पुट किया, देन कवर दिस ड्रॉप विथ अ ग्लास स्लाइड, यहां पे ग्लास स्लाइड रहता है ऐसा उस कवर करने का, एंड ऑब्जर्व दिस स्लाइड, एक ग्लास कवर स्लिप जो है उसे क्या करने का, कवर करने का, एंड ऑब्जर्व दिस ग्लास स्लाइड अंडर द हाई मैग्निफिकेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसका हाई मैग्निफिकेशन में ये ग्लास स्लाइड क्या करने का, ऑब्जर्व करने का। व्हेन यू ऑब्जर्व, व्हेन विल यू ऑब्जर्व दिस ग्लास स्लाइड, यू विल गेट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो आपको क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहां पर मिलेंगे। All these organisms are unicellular. क्या है वो, यूनिसेल्यूलर है। सेकेंड
दे डू नॉट हैव अ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेमोरी. सी जो भी कुछ बैक्टीरिया आप में मिलेंगे उसी बैक्टीरिया को वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं रहेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहेगा. देयरफॉर दे क्या दे आर इंक्लूडेड इन प्रोकैरियोटी. मींस ऑल एनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन मोनेरा आर प्रोकैरियोट्स. एंड थर्ड एग्जाम्पल, अभी कौन से बैक्टीरिया यहाँ पे मिलेंगे, ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया आर इंक्लूडेड इन किंगडम मोनेरा. यहाँ पे ऐसा बैक्टीरिया मिलेगा वी कॉल देम विब्रियो कॉलेरा. यहाँ पे ऐसा राउंडेड मिलेगा वी कॉल देम स्टेपिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, क्लोस्ट्रिडियम. स्पाइरल मिलेगा, राउंडेड शेप मिलेगा. मीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया आर इंक्लूडेड इन द किंगडम मोनेरा. एंड ये सभी क्या है, हेटरोट्रॉप्स है. मीन्स दे आर अनेबल टू मेक देयर ओन फूड. एक खुद का फूड खुद पैरासाइटिक रहते हैं, दूसरे पे क्या होते हैं डिपेंड्स रहते हैं. दीज आर द इनर पैरासाइट होते हैं. ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया किंगडम मोनेरा में क्या होते हैं इंक्लूड होते हैं. अब ये देखो सेकेंड किंगडम, सेकेंड किंगडम कौन सा है, प्रोटिस्टा. किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा. देखो किंगडम प्रोटिस्टा ये सेकेंड किंगडम है. इफ यू वॉन्ट टू ऑब्जर्व द ऑर्गेनिज्म इन द किंगडम प्रोटिस्टा, अभी किंगडम प्रोटिस्टा में कौन से ऑर्गेनिज्म इंक्लूड होते हैं ये आपको देखना होगा. तो क्या करो, जो टेंजेंट वाटर रहता है, पॉन्ड वाटर रहता है, उसी पॉन्ड वाटर में से क्या करने का, एक तो दो ड्रॉप ग्लास स्लाइड पे रख पुट करो, एक ग्लास स्लाइड है, कीप द टू ड्रॉप्स ऑन द टू ड्रॉप्स ऑफ पॉन्ड वाटर और टेंजेंट वाटर. पॉन्ड वाटर जो रहता है, मड़ी जो वाटर रहता है, उसे मड़ी वाटर से टू और थ्री ड्रॉप्स क्या करो, एक क्लीन एक ग्लास स्लाइड पे कीप करो. उसके बाद कवर बाय यूजिंग कवर स्लिप, कवर स्लिप यूज करके और ड्रॉप पे वो कवर स्लिप ग्लास स्लिप जो रहता है वो फुट करो. एंड ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के अंदर एक ग्लास स्लाइड हाई मैग्निफिकेशन पावर में क्या करो, ऑब्जर्व करो. यू विल गेट, तो आपको ऐसा वॉल्वेक्स, वॉल्वेक्स जो रहता है वो ग्रीन अलगी जैसा रहता है, वो ऑटोट्रॉपिक है. यहाँ पे सेकेंड आपको पैरामिसियन जैसा मिलेगा. दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीलिया. ये पैरामिसियम है, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, सेलुलर ऑर्गन से. थर्ड वन अमीबा भी मिल सकता है आपको. मीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ये अमीबा है, यूग्मिना मिल सकता है. देखो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन यू सी अंडर दिस, अंडर द माइक्रोस्कोप ऑफ दिस स्लाइड. इस स्लाइड में आपको इस डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म मिल सकते हैं. तो देखो वॉल्वेक्स, ब्लू ग्रीन जो अलगे है, दीज आर द ऑटोट्रॉपिक्स इन नेचर. ये जो वॉल्वेक्स है वो ऑटोट्रॉपिक है, मींस इट कैन मेक देयर ओन फूड. वॉल्वेक्स खुद का फूड प्रिपेयर कर सकता है. बट पैरामिसियम, अमीबा, यूग्लिना, दे कैनॉट मेक देयर ओन फूड. मीन दे आर हेटरोट्रॉप्स, एक फूड नहीं बना सकते, दे हेटरोट्रॉप्स है. सेकेंड, सम ऑर्गेनिजम्स हैव अ सिलिया. देखो ये एयर लाइक सिलिया है उसके बॉडी पे. यहाँ पे जो अपर पार्ट से जो आगे पार्ट आता है, जो अपर है वी कॉल देम सुडोपोडिया. यहाँ पे वीप लाइक स्ट्रक्चर होता है वी कॉल देम फ्लाइगेला. दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलिया. सुडोपोडिया, फ्लाइगेला आर द ऑर्गन्स विच यूज फॉर लोकोमोशन. ये लोकोमोशन के लिए, उसको मूवमेंट के लिए ऑर्गन्स क्या है, हेल्प करते हैं. इन दिस वे दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड इन किंगडम प्रोटिस्टा. किंगडम प्रोटिस्टा में अमीबा आता है, सॉरी पैरामिसियम आता है, अमीबा आता है, यूग्लिना आता है, ये हेटरोट्रॉप्स है. वॉल्वेक्स एंड अल्गी आर द ऑटोट्रॉप्स. सेकेंड, ऑल आर यूकैरियोटिक्स इन नेचर. ये सब क्या है, यूकैरियोटिक है बट यूनिसेल्यूलर, मींस हैव अ सिंगल सेल. ओके, इन दिस वे टुडे वी स्टडीड टू किंगडम्स. नाउ इन द नेक्स्ट वर्चुअल क्लास और नेक्स्ट लेक्चर वी विल
continue the next kingdoms, that is fungi, kingdom plants and kingdom animalia. Thank you.